हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ब्लाउज से डायरेक्ट मेजरमेंट कैसे लेते हैं और कटिंग कैसे करते हैं ये देखने वाले हैं। इसके लिए हमने पुराने ब्लाउज़ की पहले लेंथ ली है, वो 14 इंच है। उसमें आधा इंच हम सिलाई के लिए मार्जिन ऐड करेंगे, ऐसे 14.5 इंच फुल लेंथ लेने वाले हैं। अब हम वेस्ट की मेजरमेंट कर लेते हैं, ऐसे ब्लाउज़ की एक साइड से दूसरी साइड तक ये 33.5 है, उसमें हम 1 इंच सिलाई के लिए मार्जिन ऐड करने वाले हैं। इस तरह वो 34.5 हो जाएगा। अब हम चेस्ट का मेजरमेंट लेते हैं। हुक की पट्टी से हम आर्म होल की एंड तक ऐसे ये 9.5 है, तो ये चेस्ट का 1/4 9.5 है, उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे सिलाई के लिए। अब हम फ्रंट का जो नेक है वो उसकी मेजरमेंट लेने वाले हैं। शोल्डर के जो हमारा वो पार्ट है शोल्डर का, वहाँ से हम ऐसे सीधी लाइन गले की तरफ ऐसे देखेंगे तो वो तो ये 5.5 इंच होता है, तो ये 5.5 इंच का हमारा आगे का गला है। अब हम बैक का नेक देखते हैं, ऐसे ऊपर की तरफ शोल्डर की तरफ रख के वहाँ से हम नीचे से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे और ये 6 इंच पीछे का गला है। अब हम स्लीव्स की मेजरमेंट लेते हैं। स्लीव्स ये ब्लाउज की तैयार 8 इंच है। अभी ये इस 8 इंच में हम 1.5 इंच सिलाई के लिए मार्जिन ऐड करने वाले हैं और इसके चौड़ाई स्लीव्स की हम देखते हैं कि ये स्लीव्स की चौड़ाई 6.25 है, उसमें हम सिलाई के लिए 1.5 इंच ऐड करने वाले हैं। अब हम शोल्डर का मेजरमेंट लेते हैं। स्लीव्स के इस पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक ये 11 होता है, इसका हाफ हम लेने वाले हैं, यानी 5.5 इंच का हमारा शोल्डर हो जाएगा। अब हम तीरे की यानी नेक लाइन की जो मेजरमेंट है वो लेने वाले हैं, ये 3.25 इंच है। अब हम आर्म होल देखते हैं कितना है, ये 6.5 है, 6.5 का हमारा आर्म होल है। अब ये मेजरमेंट हम ब्लाउज़ पे डाल के उसकी कटिंग करने वाले हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।